तो अभी तक की क्लासों में मैट्रिसेस के अंदर आप लोग बेसिक ऑपरेशन पढ़कर आ चुके हो, जिसमें आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आप और एक और मैट्रिक्स का टाइप देख लेते हो, जिसमें आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब बच्चों, इसके बाद अगर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करो किसी एक ऑर्डर की, कोई भी हो एक ऑर्डर, लाइक 2 बाई 2 का ऑर्डर, तो उसके लिए एक और मैट्रिक्स वहाँ पर ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। ज़रूर करेगी नो, ऐसा नेसेसरी नहीं, मतलब कर सकती है, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी। सच दैट कि अगर मान लो हमारी ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और उसके लिए ए बी इंटू बी ए किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स का हमारे पास है, उसके लिए एक और मैट्रिक्स कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है, और उसका दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए, तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है। बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स। एक बार फिर से, ये कोई एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, इसी ऑर्डर की, ये ध्यान रखना, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की एक्स है उसी ऑर्डर की मान लो कोई एक मैट्रिक्स और है, सच दैट उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक्स मैट्रिक्स से कराऊं, तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो वाई मैट्रिक्स है ना, वो एक्स मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, इनवर्स, या इसका उल्टा, अगर एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये इस वाई मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। मान लो बच्चों, मैं आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूं, कुछ भी मैंने लिखा, 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं एक मैट्रिक्स और लिखूं, बी मैट्रिक्स, ठीक है, कुछ भी लिखूं जैसे मान लो, तो उस मैट्रिक्स का मैं ए मैट्रिक्स से फिर मल्टीप्लाई कराऊं, तो क्या ये जरूरी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आंसर? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने लिख कर देखा एक मैट्रिक्स, उसका कराया आंसर, आई नहीं आया, तो इसका मतलब बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या नहीं है, इनवर्स नहीं है। फिर और लिखा, फिर कराया, फिर नहीं आया, फिर लिखा, फिर कराया, फिर नहीं आया, कराता गया मैं, लिखता गया, बहुत सारी मैट्रिक्स लिखी मैंने, एक मैट्रिक्स ऐसी मिल गई मुझे जिसका मल्टीप्लाई मैंने ए से कराया, तो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी, इनवर्स कहलाएगी, ठीक। एक मैट्रिक्स के सर कितने इनवर्स होते होंगे? अगर मैं सर लिखता जाऊं, बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसे लिखता रहूं अपने मन से, और फिर ए से मल्टीप्लाई कराता रहूं, तो कितनी मैट्रिक्स ऐसी मिलेंगी जिनमें जिनका मल्टीप्लाई ए में कराएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा? तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी कि किसी भी गिवन ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, जो कि इस मैट्रिक्स का क्या होगी, इनवर्स होगी। ये बात आ रही है आपको समझ में? अब हम कैसे मान लें सर, आपके कहने से नहीं मानेंगे, प्रूफ करके दिखाओ इसको। तो इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। इस थ्योरम को कहेंगे हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो ये जो थ्योरम आप कर रहे हो, थ्योरम नंबर क्या है, 3, उसका नाम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। जैसा मैंने आपको कहा कि किसी गिवन ऑर्डर, किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर की एक ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा और नहीं कर सकती। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर एक और कर रही है, तो मैं ये कहूँगा वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल रही होंगी। कौन सी मैट्रिक्स? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा ये जो ए मैट्रिक्स है, इसके लिए सिर्फ एक ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, जो इसका क्या कहलाएगी, इनवर्स कहलाएगी। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर मुझे एक और मिल गई, सी मैट्रिक्स, तो मैं कहूँगा नहीं, अगर मिल भी गई है आपको तो बी और सी आपस में कैसी रही होंगी, इक्वल रही होंगी। तो अगेन फिर वही आ गया, अगर बी और सी इक्वल हैं तो इसका फिर से अगेन क्या हो गया, यूनिक मैट्रिक्स बना, जो कि इसका इनवर्स है। तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि बी और सी मैट्रिक्स आपस में कैसी रही होंगी, इक्वल मैट्रिक्स रही होंगी, ठीक है। देखो बच्चों, ध्यान दो, लेट बी इज इनवर्स, बी इज इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स फॉर ए मैट्रिक्स, ऐसा मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए।
अब मान लो बच्चों बी अगर इनवर्स मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का, तो ऐसा होता होगा क्या ए इंटू बी कराएं या बोलो बी इंटू ए कराएं? आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तभी वो इन्वर्टिबल होगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगेन मैंने माना लेट सी इज इनवर्स मैट्रिक्स फॉर किसके लिए? ए मैट्रिक्स। मैंने एक और मान ली, बी तो है ही, मैंने सी भी मान ली। अगर सी मैट्रिक्स भी ए का इनवर्स है तो फिर क्या होता होगा बोलो? ए इंटू सी, हाँ सी इंटू ए, हाँ आई के इक्वल होना चाहिए सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये दो आपने इक्वेशन यहाँ पर बना ली। अब बच्चों अब ध्यान दीजिए, बच्चों यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करा दें, किसका मल्टीप्लाई करा दें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बी मैट्रिक्स पर? कोई फर्क पड़ेगा बताओ? नहीं पड़ेगा। ठीक, बी ऐसे ही ठीक है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ए सी, क्योंकि आपने कहा था आई किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म बन के तैयार हो गया वो क्या बन गया? बी ए सी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, बी इंटू ए इंटू सी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कहीं पर लिखा हुआ है बी इंटू ए इंटू सी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बी इंटू ए और इंटू में क्या सी, वो एक ही बातें हैं। अच्छा, बी इंटू ए को आपने मुझे बताया था कहीं लिखा हो तो उसे आई लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? आई, और इंटू में क्या चल रहा है? सी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सी में मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आएगा? तो ये बी किसके इक्वल आ गया? सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि बी और सी इक्वल हैं, इसलिए ऑलवेज किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही यूनिक मैट्रिक्स होगी जो कि उसका क्या होगी? इनवर्स। देयरफॉर दिस प्रूव्स यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई एक मैट्रिक्स जरूर ऐसी लाई करती है, कहीं एग्जिस्ट करती है जिसका मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से कराएं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। वो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कराई जाए और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी? इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, और मैंने ये भी कहा कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसी होगी जो उसका इनवर्स हो सकती है, बहुत सारी नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है। तो उसको हमने प्रूफ करके देखा, उसको हम कहेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, मैंने माना कि ए मैट्रिक्स के लिए कोई एक बी मैट्रिक्स है जो कि उसका क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए इंटू बी, बी इंटू ए किसके इक्वल आना चाहिए? आई के, अगर बी उसका इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके, ये हमने यहीं पर छोड़ा। हमने माना चलो कोई एक और कहीं एग्जिस्ट करती होगी, सी मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया? इसका इनवर्स मैट्रिक्स। तो फिर से ए इंटू सी और सी इंटू ए, ये किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हमने ये दो इक्वेशन यहाँ पर छोड़ दी, अब हमने बी से स्टार्ट किया। बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी इंटू आई। आई को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू सी। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी इंटू ए इंटू में सी। और बी इंटू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? सी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स के लिए आप दो इनवर्स मैट्रिक्स को कहते हो कि एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी रही होंगी? इक्वल। बी और सी आपस में कैसी रही होंगी? इक्वल। यानी कि अगेन हमारा ए का फिर से कितना इनवर्स मैट्रिक्स बचा? वन, क्योंकि बी और सी तो आपस में इक्वल हैं, तो अगेन ए का एक ही इनवर्स आया। तो ये आपसे यहाँ से प्रूफ होता है कि यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये समझ आया? ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर थर्ड। देखिए थ्योरम नंबर फोर देखते हैं। If A and B are invertible matrices of same order, then prove that AB का inverse equal होता होगा
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, ठीक है। इस तरह का मान लो क्वेश्चन आया, थ्योरम नंबर है 4, ए और बी दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होता होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, ठीक है। देखो बच्चों, कहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी इक्वल होती होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये दोनों बातें तो आपस में इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी अपॉन ए बी, कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात में, ए बी से ए बी कटा क्या बचा, वन, वन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये ए बी ऐसे ही, ठीक है, ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला जो ए बी लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी का इनवर्स, ए बी की पावर माइनस वन। ये नीचे से देखो, अभी पावर कितनी है, वन, ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस का वन। ये सब किसके इक्वल आया, एक बार फिर से, ये वाले जो स्टेप है ना, ये एग्जाम में लिख कर मत आना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। कहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी ऐसी, ठीक है। और ये ऊपर जाकर लिखोगे तो ए बी का इनवर्स, तो ये क्या आ गया, आई, ठीक है ये। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, ए इनवर्स बोथ साइड। हमें कैसे पता चलेगा कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि मुझे इस वाली साइड में आई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो चाहिए तो सर मुझे बी इनवर्स भी, बी इनवर्स से क्यों नहीं कराया, तो मैं पहले ए इनवर्स से करा देता हूँ, ए इनवर्स आ जाएगा उधर, फिर मैं किससे करा दूंगा, बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ए इनवर्स से करा रहा हूँ, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी चल रहा है, और ए बी का इनवर्स चल रहा है, और इधर ए इनवर्स इंटू आई, ये वाला स्टेप समझ आ गया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड। अब बच्चों, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स ये वाला और ये वाला जो ए लिखा हुआ है, ये यहाँ लिख लिया, इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया और बी बाहर कर दिया, कर सकते हैं, एक ही बातें हैं, ठीक। और ए बी का होल इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, और ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, ए इनवर्स। एक बार फिर से क्या कर दिया, ए इनवर्स ये लिखा हुआ है, ये ए ए इंटू बी लिखा था, उसका ए ये लिखा हुआ है, और बी बाहर लिखते हैं। दरअसल ये एक रूल है, ए इंटू बी सी कराओ या ए बी इंटू सी कराओ, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं इक्वल। ये मल्टीप्लिकेशन वाला जब आपने चैप्टर एक्सरसाइज की थी तो वहाँ पढ़ा था कि ए इंटू बी सी हो या ए बी इंटू सी हो, वो दोनों इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं पहले। अच्छा, ये बन गया बच्चों। अब इसके बाद ध्यान से देखना, ए इनवर्स इंटू ए कहीं पर लिखा हो तो ये क्या होता होगा, तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता होगा ये, बोलो बच्चों क्या होता होगा, हाँ या ना भाई, ए इनवर्स लिखा है, इसे वन अपॉन ए लिख सकते हो, ए से ए वन, क्या लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। लेकिन ऐसे लिखन मत देना, ऐसा मत लिख देना कि वन अपॉन ए लिख कर आ जाओ, ये सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ कि वन अपॉन ए लिख लो और कैंसिल कर दो, ऐसा करके नहीं आना, ऐसा होता कुछ भी नहीं है, दरअसल नहीं होता है ऐसा कुछ कि ए इनवर्स को वन अपॉन ए लिख लिया, केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसको वन अपॉन ए लिख लो, ए से कट गया तो क्या बचा, वन, और वन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही नहीं है, केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं तो ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आई इंटू बी, बी ऐसे ही, ठीक है, ए बी इनवर्स, और इधर क्या चल रहा है, ए इनवर्स। देखो सर, आपको तो चाहिए यहाँ पर बी इनवर्स भी चाहिए, क्या चाहिए, और अभी तक आप ए इनवर्स ला पाए हो, तो अभी और किससे मल्टीप्लाई कराना है, बी इनवर्स से। तो यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड, तो बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स, ए बी का क्या चल रहा था, होल इनवर्स, ठीक है, और इक्वल्स टू में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। यहाँ पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए,
सर ए इनवर्स के साथ हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई कराया। बी इनवर्स इंटू बी क्या बन जाएगा, आई, और इधर चल रहा है ए बी का इनवर्स, और इधर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए बी का इनवर्स किसके इक्वल, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये है आपकी थ्योरम नंबर कौन सी, फोर। दो थ्योरम हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पढ़ी थी, फिर थर्ड और फोर्थ थ्योरम मैट्रिक्स चैप्टर में ये आती है। फोर्थ थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बी का भी इन्वर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ए बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं, ये वाले जो स्टार्टिंग के दो स्टेप हैं ये ऐसे फालतू लिखे हुए हैं केवल समझाने के लिए कि आई किसके इक्वल होता है, आई के, और फिर ए बी अपॉन ए बी लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स। तो मेनली आपकी जो थ्योरम स्टार्ट होगी वो कहाँ से, यहाँ से, किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम जानते हैं किसके इक्वल होगा, बाय द डेफिनेशन, यही तो आपने कहा था कि ए इंटू बी या बी इंटू ए किसके इक्वल होगा, आई के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाले स्टेप यहाँ से बल्कि आप हटा ही देना, ठीक है, यहीं से आप लेकर चलो, बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि ए मैट्रिक्स का अगर बी इनवर्स है, ए मैट्रिक्स का अगर बी इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो ऐसे ही ए बी मैट्रिक्स का अगर ए बी का इनवर्स है, तो अगर ये क्या है, इसका इनवर्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता होगा, आई के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कराया बोथ साइड, वो हमें कैसे पता चला, तो हमने कहा कि हमें ए इनवर्स चाहिए इस साइड में, और इधर सिर्फ आई लिखा हुआ है तो इसलिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। अच्छा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हुआ, हम जानते हैं ए इंटू बी सी लिखा हो या ए बी इंटू सी लिखा हो, एक ही बातें होती हैं, तो हमने ये वाला ए इसके साथ लिख लिया, बी बाहर कर दिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, ये कहाँ पर पढ़ा आपने, ये डेफिनेशन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये बच्चों बन के तैयार हो गया, ठीक, आई इंटू बी अगर हम देखें तो बी मैट्रिक्स बन गया। अब हमने देखा कि हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ ए इनवर्स नहीं, हमें तो बी इनवर्स भी चाहिए, तो हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद बी इनवर्स इंटू बी, अगेन फिर से वही बाय द डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा, ये आपका प्रूफ होके तैयार हो जाएगा। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर फोर। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखती है। ए मैट्रिक्स के लिए बी मैट्रिक्स इनवर्स कहलाएगी अगर ए इंटू बी किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। अब आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है, एक इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी, उसके लिए उस मैट्रिक्स के अंदर आपको कुछ ऑपरेशन से अप्लाई करने होंगे। वो ऑपरेशन कौन से हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, ये सब क्या है ऑपरेशन। ऑपरेशन ये है कि जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, कितनी रो हैं, 2 रो हैं, ठीक है, तो इन दोनों रो को अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। तो अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, रो वन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, रो टू से, तो क्या हो जाएगा, जो रो वन है वो नीचे आ जाएगा और रो टू ऊपर आ जाएगा, 3 4 and 2 1 ऐसा, ठीक है। जैसे आपने रो में किया है यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम वन को इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम
टू से, तो ये हमारा कॉलम वन है, ये हमारा कॉलम टू है, इनको आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज किया जा सकता है। तो अगर एक दूसरे से इंटरचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, वन और फोर आगे आ जाएगा और टू और थ्री पीछे चला जाएगा ऐसे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो आप मैट्रिक्स पर लगा सकते हो वो ये है कि रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, कितनी भी बार किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और रूल वो ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो को चाहें तो डिवाइड करा सकते हैं किसी नंबर से, या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मान लो डिवाइड करा रहे हैं हम R1 को, तो R1 को अगर हम डिवाइड कराएंगे तो 1/5 और क्या आएगा बोलो, 2/5। अगर मान लो हम R1 को मल्टीप्लाई करा रहे होते किससे, 3 से, तो क्या आ रहा होता, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो आ जाएगा 3 6 3 4 या आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यही काम चाहें तो कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। मान लो हम कॉलम टू को डिवाइड कराएं 3 से, ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के तैयार होगी, 1 और 3 ऐसे, ठीक है। कॉलम टू में लगा रहे हैं हम ऑपरेशन, तो क्या आएगा, 2/3 and 4/3, ठीक है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल रो या कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल ये है, थर्ड ऑपरेशन जो आप लगा सकते हो वो ये कि किसी भी दो रो को या किसी भी तीन रो को आप आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो जो आपकी रो टू है उस रो टू में से आप क्या कर सकते हैं, रो टू में ऐड करा सकते हैं रो वन को। अगर आप रो टू में रो वन ऐड कराते हैं तो बताओ क्या आएगा, 3 में 1 ऐड कराओगे तो कितना आएगा, 4, और 4 में 2 ऐड कराओगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐड कराएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि R2 में ऐड करा सकते हैं 2 times of R1, ऐसा भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो। R2 में ऐड करा दो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा कर, तो पहले वाली देखो ऑपरेशन कहाँ पर लग रहा है, रो 2 में, तो रो 1 में तो कुछ करना नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा। रो 2 में ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि हम इसमें ऐड कराएंगे इसका 2 times, ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, 5, और इसमें इसका 2 times तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये बेसिक तीन ऑपरेशन हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हैं, नंबर 1 फटाफट से बोलो, रो को आपस में या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, सबसे पहला ऑपरेशन हो गया इंटरचेंज करना। दूसरा क्या है, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जा सकता है। तीसरा क्या है, किसी भी रो को किसी अदर रो के साथ, एक या एक से ज़्यादा रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सेम फॉर कॉलम। इन्हीं तीन ऑपरेशन की हेल्प से आप अब निकालना सीखोगे इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और फिर आपको बात समझ आएगी। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 1 -1 2 and 3, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए मैट्रिक्स के इक्वल में क्या लिखा जा सकता है, ए मैट्रिक्स लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है, ए मैट्रिक्स के इक्वल होती होगी या नहीं, यस होती होगी, अच्छा, और इसी को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ही बात है, अभी भी ए के इक्वल होता है,
ए इक्वल होगा ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए के इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, ठीक। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, अब उसको ध्यान से समझो। यहां पर ये वाली जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स पर मैं कुछ ऑपरेशंस लगाऊं जो मैंने सीखे हैं, उन ऑपरेशन को लगाकर मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दूं किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट कर दूं, ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। और जो ऑपरेशन मैं यहां पर लगाऊं वही सेम ऑपरेशन मैं यहां पर भी लगाता चलूं, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर मैं इसमें कुछ ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रहेगी नहीं, चेंज होती चली जाएगी, ये कुछ और मैट्रिक्स बन चुकी होगी। ये कुछ और मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बताओ, क्या बन गई होगी, मान लो कोई बी मैट्रिक्स बन गई होगी, ठीक। अच्छा, तो इक्वल्स टू में और अभी क्या चल रहा है, साथ में क्या चल रहा है, ए। ये ए डिवाइड में लिखा रहा हूं, आई अपॉन ए, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बोलो, बी। और आई अपॉन ए को हम लोग क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, बी। ये जो कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है ये काम करता है जब भी आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो। फिर से, ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल होती है, यस। ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा दें, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब इसके बाद की ये जो प्रोसेस, जो मैंने ये एरो बनाए हैं, ये प्रोसेस कौन सी और प्रोसेस है, यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई करेंगे बोलो, ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन से वाले, जो ये तीन ऑपरेशन हमने आज देखे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन, इंटरचेंज करना, प्लस करना या माइनस करना, ठीक है, या इसके अलावा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देना, ये ऑपरेशंस यहाँ पर लगाए जाएंगे। और इन ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को क्या बना देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी में जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन साथ के साथ हम किस में लगाते जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जब उसमें ऑपरेशन लगाए जाएंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। जो चेंज होकर आएगा उसका नाम मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए क्या, बी मैट्रिक्स, ठीक। तो इधर ये ऑपरेशन लगा लगा के हम कहाँ तक लेकर आ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक। सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाते लगाते वो क्या बन चुकी है, बी मैट्रिक्स। अब ये वाला जो ए जो साथ में चल रहा था, ये ए डिवाइड में आ गया, क्या बन गया, ये ए इनवर्स। तो यानी कि गिवन मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स के। और बी मैट्रिक्स है क्या, तो आंसर है ए मैट्रिक्स पर ही जब आपने ऑपरेशन लगाकर उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया था, और जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी थी तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर वाली जो मैट्रिक्स बनके तैयार होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बी मैट्रिक्स, और वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इसका मतलब जब हम क्वेश्चन को निकालेंगे तो क्वेश्चन को निकालते वक्त हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा हर बार, हर बार क्या लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू ए इंटू आई, ठीक। तो देखो ये हमारी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, पहले हम इसको लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया। फिर से कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है अब हमें, ए मैट्रिक्स को अब हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ किसको लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे, 1 0 0 1, और साथ में क्या चल रहा होगा, ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स को आप चाहो तो इधर लिख लेना और चाहो तो इधर लिख लेना, ठीक है। क्या कर दिया, एक बार फिर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स, और ये भी क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स, और ए इन टू में क्या चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं, ठीक। अब इसके बाद बच्चों आपका टारगेट है इस मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा लगा कर कहाँ पर लेकर जाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना, और वही सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगाना और इसको सॉल्व करते जाना। लास्ट में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी होगी तब जो इधर मैट्रिक्स आ रही होगी वो मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, ठीक। तो करके देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स को कैसा बनाना है, ऐसा। तो इसके बाद का मतलब ये हो गया कि मुझे पहले ही जगह यहाँ पर क्या चाहिए, देखो वन है तो यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है, वन है, ठीक है। लेकिन मुझे अब यहाँ पर क्या चाहिए, मतलब इस जगह पर मुझे जीरो चाहिए, तो इस जगह पर जीरो बनाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन कहाँ पर लगाऊंगा, मैं रो टू में ऑपरेशन लगाऊंगा, ये रो वन है,
और ये रो 2 है, तो मैं रो 2 में ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या ऑपरेशन लगाऊंगा? रो 2 में से माइनस कराऊंगा, किसको? 2 टाइम्स ऑफ R1। अगर मैं इस 2 में से इसका 2 टाइम्स माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। हमें क्या बनाना है? 0 ही तो बनाना है। तो इसमें से अगर इसका 2 टाइम्स माइनस कर दूं तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? 0। ये ऑपरेशन आपको पहले लिखना होगा, R2 में से नो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो, बट प्लस और माइनस नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, तो ये ऑपरेशन लगाता हूं तो देखो क्या बनेगा। ध्यान देना बच्चों, ऑपरेशन कहां लग रहा है? R1 से कोई लेना देना है नहीं है, तो R1 को एज इट इज लिखो। ऑपरेशन R2 में लगाओ। अब R2 में ऑपरेशन लगाओगे तो देखो कैसे लगाओगे। इस 2 में से, जब देखो ये जब आप लिखते हो ना, जब आप कोई ऑपरेशन लिखते हो तो वो दरअसल काम कैसे करता है वो दिखाता हूँ आपको। देखो R2 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बोलो? 2 माइनस ट्वाइस ऑफ, उसके सामने R1 में क्या लिखा हुआ है बोलो? 1। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा? समझ रहे हो ये बात? ऐसे ही फिर से अब यहाँ पर भी तो लगेगा, R2 में लगाओगे तो R2 में यहाँ क्या लिखा हुआ है बोलो? 3। 2 इंटू R1 में उसके सामने क्या लिखा हुआ है बोलो? -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आएगा बोलो? 5। ठीक है, ये आ गया। अब जो ऑपरेशन आपने बच्चों इधर लगाया है, सेम वही ऑपरेशन आप दूसरी साइड भी लगाओगे। यही ऑपरेशन आप किधर लगाओगे? इसमें लगाओगे। ठीक है, तो R1 में तो कुछ करना नहीं है, 1 और 0 ये तो ऐसे ही ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगा रहे हो बोलो? देखो R2 में यहां क्या लिखा हुआ है? 0 माइनस 2 इंटू R1 में यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। तो 0 माइनस 2 कितना आएगा बोलो? -2। समझ गए? अब ऐसे ही यहाँ पर R2 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1। इसमें से माइनस होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या? 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा? 1। और इंटू में क्या चल रहा है? A। ठीक। अब यहाँ पर एक बार फिर से, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, पहले जो क्वेश्चन आज दिया होगा उसको लिख लेंगे, उसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे। ये लिख लिया, इक्वल्स टू में क्या लिखोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन टू में क्या लिखते रहोगे? ए। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाओगे, वो ऑपरेशन क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है, हमें इसको क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा? 0। तो यहाँ 0 हम कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है कि यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, इस R2 में से माइनस करा देंगे इसका 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या बन के तैयार हो जाएगा? 0। अब ऑपरेशन जब आप R2 में लगा रहे हो तो सिर्फ इसमें नहीं लगेगा, साथ में इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो वो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया, सॉल्व किया, ये बना। ठीक है, इस यही सेम ऑपरेशन आपने इधर भी लगाए। ठीक, तो ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पूरा हो चुका क्या? नो। क्यों? क्योंकि अभी आई नहीं बना है, ये आइडेंटिटी अभी बनना बाकी है। ठीक है, बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। यहाँ 1 है, यहाँ 0 आ चुका। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है? 1। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ऑपरेशन लगाओगे तो पहले यहाँ पर 1 बनाया जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, ऐसे चलेगा ये, याद रखोगे? ठीक है, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप एक ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाओगे? R2 को, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या? R2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से। R2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से। ठीक है, कराओ डिवाइड। तो 1 माइनस 1, R1 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो R1 तो एज इट इज लिख दी। R2 में इसको डिवाइड कराओ 5 से तो कितना आएगा? 0। इसको डिवाइड कराओगे 5 से कितना आएगा? 1। ठीक, जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया है वही ऑपरेशन आप इधर भी लगाओगे। ठीक है, लगाइए। R1 से कोई लेना देना नहीं, उसको ऐसे ही लिखो। R2 में लगाओ, किससे डिवाइड कर रहे हो? 5 से, तो -2/5 और 1/5। ये आ गया।
और इनटू में क्या चल रहा है ए, ए आप चाहो तो आगे लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी है, इसको बनाना है। बनाने के लिए अब हमें वन आ चुका, जहाँ जीरो आ चुका, यहाँ वन आ चुका, अब यहाँ क्या चाहिए, जीरो। तो अब इसमें ऑपरेशन लगेगा, किस में ऑपरेशन लगेगा, आर वन में। क्या ऑपरेशन लगा रहे हो बोलाओ, बोलो। आर वन में अगर हम ऐड करा दें किसको, आर टू को, अगर मैं इसमें इसको ऐड करा दूँ तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, ठीक। तो ओके, यही ऑपरेशन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, वन, वन में जीरो ऐड कराओगे तो वन, और माइनस वन में वन में ऐड कराओगे तो जीरो, और बाकी आर टू एज इट इज रहेगा ये, क्योंकि ऑपरेशन तो कहाँ लग रहा है, आर वन में लग रहा है, तो आर टू एज इट इज रहेगा। अच्छा, इसके बाद सेम यही काम, यही ऑपरेशन अब यहाँ पर भी लगेगा। आर टू से कोई लेना देना नहीं, उसको ऐसे ही लिखो नीचे, ऑपरेशन लगाओ आर वन में, इसमें इसको ऐड कराओ, तो इसमें वन माइनस टू बाई फाइव करोगे तो कितना आएगा, थ्री बाई फाइव, और जीरो में वन बाई फाइव को ऐड कराओगे तो कितना आएगा, वन बाई फाइव, और इन टू में क्या चल रहा है, ए। ये ठीक है, अब ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन गई बोलो, और ए कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, थ्री बाय फाइव, वन बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव एंड वन बाय फाइव, और आई अपॉन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का ये आंसर निकल कर आ गया। ये ए इनवर्स वो मैट्रिक्स है बच्चों, जिसका मल्टीप्लाई अगर मैं गिवन मैट्रिक्स से करा दूं तो इसका आंसर कितना आता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक बार फिर से, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, टू बाई टू की गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आंसर है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, फिर ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक। फिर इसमें हम इस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं कि सच दैट यहाँ पर वन बन जाए, यहाँ पर जीरो बन जाए, यहाँ पर वन बन जाए और यहाँ पर जीरो बन जाए, मतलब इसको हमें ऐसा बनाना है। जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाते जाएंगे, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑपरेशन लगा रहे हो। सबसे पहले वन यहाँ पर बनाना था, लेकिन वन तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने फिर कहाँ जीरो बनाया, यहाँ पर, यहाँ जीरो बनाने के लिए R2 में से इसका ट्वाइस माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये बन के तैयार हो गया। फिर इसके बाद जब जीरो बन गया, अब इसके बाद हमें यहाँ वन बनाना था, तो यहाँ वन बनाने के लिए R2 को किससे डिवाइड करा दिया, फाइव से। जो ऑपरेशन इधर लगा रहे हो वो इधर भी लगाते जा रहे हो आप, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जब यहाँ वन बन चुका तो अब यहाँ जीरो बनाना था, तो इसलिए इसको इसके साथ ऐड करा दिया, तो यहाँ भी जीरो बन गया। अब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई, और जब हम इधर ऑपरेशन लगाते जा रहे थे, तो जब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वही हमारा किसका आंसर होगा, ए इनवर्स का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकालोगे। अब जब इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा करता है तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ऑपरेशन में आती है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन लगाएं कौन सा ना लगाएं। तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि इन ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, फिक्स ऑपरेशन, चाहे कोई सी भी मैट्रिक्स आए सबके लिए ऑपरेशन कैसा, फिक्स ऑपरेशन, ठीक। वो फिक्स ऑपरेशन क्या है मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक। टू वन वन वन, टू वन वन वन, देखो ध्यान दो बच्चों, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। मैंने माना कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा इनवर्स निकालने के लिए, आपको पता है टू वन 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 ये लिखना है, इनटू में ए मैट्रिक्स चल रही होगी और साथ में कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रही होगी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पर भी हमें वही सेम ऑपरेशन लगाने हैं, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, एट द सेम टाइम इधर जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी। अब क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ठीक। तो उसके लिए ऑपरेशन फिक्स है, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन में यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो वन है तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, अगर वो वन नहीं है
तो जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतने ही नंबर से R1 को क्या किया जाएगा, डिवाइड। फिक्स ऑपरेशन यही है, ठीक है। फिक्स ऑपरेशन क्या है कि R1 में ऑपरेशन लगेगा R1 डिवाइडेड बाय क्या, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा 2, अगर यहाँ 5 लिखा होता सर तो यहाँ 5 आता। ये फिक्स ऑपरेशन है, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ये ऑपरेशन कब नहीं लगेगा, जब यहाँ पहले से 1 दिया हो तो ये ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। तो मैं लगाता हूँ ये ऑपरेशन, देखो 2 से डिवाइड कराया तो यहाँ कितना आ गया 1, और यहाँ कितना आ गया बोलो 1/2, ठीक, और बाकी का ये ऐसी, ठीक है। जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर भी लगाओगे, तो R1 को इधर भी डिवाइड कराओ किससे, 2 से, इधर 0 से डिवाइड कराओगे, 0 को डिवाइड कराओगे 2 से तो 0 रहेगा। पहला ऑपरेशन में कुछ अब सोचना पड़ेगा हर बार, क्या फिक्स हो गया, यहाँ पर अगर 100 लिखा हो तो यहाँ पर क्या आएगा 100, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब इसके आगे की बात सुनो, अब नेक्स्ट ऑपरेशन ऐसा बताओ सर जो फिक्स ऑपरेशन है, हर क्वेश्चन में वो लगाया जा सकता है, तो उसका आंसर सुनो ध्यान में। उसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, अब ये देखो ये जो नंबर, अब दूसरा ऑपरेशन जो लगेगा वो ऑलवेज किस में लगाओगे, R2 में लगाओगे, और R2 में से क्या करोगे, ऑलवेज फिक्स ऑपरेशन बता रहा हूँ, क्या करोगे माइनस, किसको करोगे R1 को, फिक्स है ये, किसको माइनस करोगे R1 को, लेकिन यहाँ पर भी एक नंबर लिखोगे, वो नंबर क्या होगा, तो आंसर है सर यहाँ पर जितना लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब अगर मान लो सर यहाँ पर 2 लिखा होता तो, यहाँ 2 लिखा होता तो यहाँ पर कितने टाइम्स माइनस करते, अगर मान लो सर यहाँ पर 5 लिखा होता तो कितने टाइम्स माइनस करते, समझ आ रही है बात, लेकिन यहाँ पर अभी कितना लिखा हुआ है 1, तो कितने टाइम्स माइनस कर रहे हैं 1 टाइम्स कहें या सिंपल कह दें कि R2 माइनस R1 कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ये फिक्स ऑपरेशन हो गया आपका सेकंड, तो ओके इसको देखो सॉल्व करो। R1 में तो कुछ करना नहीं है, वो तो ऐसे ही ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है तो कितना आएगा 0, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ, जो ऑपरेशन इधर लगाया वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाइए, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में, तो R1 एज इट इज, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको क्या कर रहे हो आप, माइनस R2 में से R1 माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 1/2, 1 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा 1, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब देखना ध्यान से, दो ऑपरेशन है जो मैं फिक्स कर चुका हूँ, पहला ऑपरेशन बताएगा कोई बच्चा क्या होता है, तो वो फिक्स ऑपरेशन सर ये है कि R1 को डिवाइड करा दिया जाता है ऑलवेज A11 से, देख लो आप ध्यान से, हाँ या ना बोलो, ये A11 ही तो है, तो R1 को किससे डिवाइड करा दिया जाता है ऑलवेज A11 से। अब दूसरा फिक्स ऑपरेशन बता रहा हूँ, दूसरा फिक्स ऑपरेशन ये है R2 में ऑपरेशन लगाया जाता है, वो क्या होता है ऑपरेशन, R2 में से माइनस किया जाता है किसको R1 को, बट कितने टाइम्स A21 टाइम, कितने टाइम्स A21, यही तो होता है हमारा A21, इतने टाइम्स माइनस किया जाता है R1 का, ये फिक्स ऑपरेशन हो गया, किसी बच्चे को आप सोचने की जरूरत ही नहीं कि ऑपरेशन में क्या लगाऊं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद मैं आपको फिक्स ऑपरेशन बता रहा हूं, वो है ऑपरेशन नंबर थर्ड। ऑपरेशन नंबर थर्ड क्या है सर, कि R2 को डिवाइड कराओ ऑलवेज, ये फिक्स ऑपरेशन क्या है, R2 को डिवाइड कराओ ऑलवेज किससे, A22 से, किससे A22 से। अब A22 हमारा यहां पर क्या है, हमें यहां पर 1 बनाना होता है इससे बन जाता है, हमें यहां पर 0 बनाना होता है इससे बन जाएगा, फिर हमें यहां पर क्या बनाना है 1, तो जितना नंबर यहां लिखा हुआ है उतने से क्या कर दो डिवाइड, ठीक। तो अब हम ऑपरेशन कहां पर लगा रहे हैं, R2 में, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को डिवाइड करा रहे हैं किससे, हाफ से, ठीक। तो कराइए डिवाइड, देखिए क्या बनेगा 1/2 ऐसे ही ठीक है, 0 को हाफ से डिवाइड कराओगे 0 आएगा, हाफ को हाफ से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 1, ठीक है, वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगा दो, R1 में तो कुछ करना नहीं है, इसमें आप हाफ से डिवाइड कराओगे बताओ कितना आएगा -1, हाफ से डिवाइड कराओ कितना आएगा -1, और इसको हाफ से डिवाइड कराओ तो कितना आएगा 2, ठीक। इधर ध्यान दीजिए,
अब आपका यहाँ पर क्या बन गया, 1 बन गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है बताओ, यहाँ 0 बनाना। यहाँ 0 बनाने के लिए बच्चों मैं फोर्थ ऑपरेशन लिख रहा हूँ जो कि फिक्स ऑपरेशन है। हमेशा R1 में से माइनस किया जाता है R2, R1 में से माइनस किया जाता है R2, बट कितने टाइम्स? तो आंसर है जितना यहाँ पर लिखा होगा। और ये वाला जो नंबर है ये कौन सा वाला है, A12, कौन सा है, A12। तो R1 में से A12 टाइम्स माइनस कर दो किसका, R2 का, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 बन जाएगा। तो देखो ऑपरेशन लगा रहा हूँ कहाँ पर लगा रहा हूँ, R1 में। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 में से माइनस कर रहा हूँ कितने टाइम्स, 1/2 टाइम्स किसका, R2 का। ठीक है, कराइए माइनस। 1 में से इसका हाफ टाइम माइनस करोगे तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, हाफ में से इसका हाफ टाइम माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0। इधर क्या चल रहा है, 0 और 1 ऐसे। ठीक है, इधर A। ठीक, अब इसमें से इसका हाफ टाइम माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। हाफ में से माइनस करोगे हाफ तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। 0 में से इसका हाफ टाइम माइनस करोगे तो क्या आएगा। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेशन करके देख लिया करो, ऐसे लिख के देख लिया करो, 0 में से माइनस करना है हाफ टाइम किसका, 2 का। 0 में से माइनस करना है क्या, हाफ टाइम ऑफ 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा बोलो, ऐसे करके देख लिया करो। ठीक, और बाकी इनमें तो कुछ करना नहीं है, ये ऐसे ही। ठीक है, ठीक। अब बच्चों इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका, ये A इस तरह डिवाइड में आएगा और फिर क्या बन जाएगा, A इनवर्स। तो A इनवर्स का हमारा क्या आंसर बनेगा, 1 - 1 - 1 and 2, ये आपका आंसर बन जाएगा। और आपके सामने बच्चों बोर्ड पर ये वो 4 ऑपरेशन लगे हुए लिखे हुए हैं जिनको आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में। ये 2/2 के बताए हैं मैंने, फिर आपको 3/3 के बताऊँगा कि 3/3 के लिए भी ऑपरेशंस फिक्स होते हैं, हमेशा वही ऑपरेशन लगाओगे किसी भी मैट्रिक्स में और आपके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन देख लिए तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब जब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखूंगा और आप उसमें ये ऑपरेशन लगाओगे तो आप सोचोगे नहीं कि मैं क्या लगाऊं। ठीक है, इन ऑपरेशन को करने का बेनिफिट क्या है, इन ऑपरेशन को करने का बेनिफिट सुनिए सबसे पहले। तो इन ऑपरेशन को करने का बेनिफिट ये है कि आपको कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, 4। ठीक है, 4 ऑपरेशन लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में पहले से ही 1 दे रखा हो, तो जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था, मान लो यहाँ पहले से 1 दे रखा हो तो आप कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। ठीक, पहले से 1 और 0 दे दिया तो कितने लगाने पड़ेंगे, 2। समझ रहे हो, तो हमें पता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑपरेशन लगेंगे, 4। अब कोई बच्चा बोलेगा इस क्वेश्चन को मैं तो दो स्टेप में कर दूंगा। ठीक है, यस, कर सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि इससे करोगे तो 4 स्टेप में हो रहा है, लेकिन आप किसी दूसरे तरीके से करते हो, डायरेक्ट करते हो तो आपको हो सकता है 2 स्टेप में हो गया हो, लेकिन फिर भी इस स्टेप इसका बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, सारे क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई भी नंबर आए, सब में लगाओगे मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे, 4। ठीक है, और अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली कर करके देखते हो, तो कर करके देखने में हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके 8 स्टेप चले जाएं, तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जब आपकी चीज़ें फिक्स हैं तो उनको फटाफट से किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और उसमें आप ऑपरेशन लगाएंगे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, 1, 3, 2, 7 इस तरह का क्वेश्चन आया। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मान लो, ए मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आप क्या करना होगा, आपको बोलो मैट्रिक्स को लिखना होता है। ठीक, फिर इक्वल्स टू में ए इंटू में क्या लिखना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पहला ऑपरेशन हमें कहां लगाना होता है, कहां लगाना होता है, तो आंसर है यहां लगाना होता है। हमें R1 को क्या करना होता है बोलो, R1 को डिवाइड कराना होता है किससे, A11 से। लेकिन यहां पर पहले ही 1 दे रखा है
तो ये वाला ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा दूसरा ऑपरेशन R2 में लगता है। R2 में से माइनस करना होता है कितना, A21 टाइम्स ऑफ क्या, R1। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप जो ऑपरेशन लगाओगे किस में लगाओगे, R2 में। क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 में से माइनस करोगे किसको, R1 को, लेकिन कितने टाइम्स, जितना यहां लिखा हुआ है उतने टाइम्स माइनस। अगर यहां सर 5 लिखा होता तो 5 टाइम माइनस होता, 7 लिखा होता तो 7 टाइम माइनस होता, ठीक। जितना नंबर यहां लिखा हुआ उतने टाइम्स माइनस, ये फिक्स ऑपरेशन है, ठीक है। इसको आप लगाओ तो देखो क्या बनेगा, 1 और 3 ये तो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन तो R2 में लग रहा है। इसमें से इसका माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। इसमें से इसका 2 टाइम माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अच्छा, इक्वल्स टू में ए, और यही सेम ऑपरेशन आप इधर लगाओ, 1 और 0 ऐसे ठीक है। R2 में से इसका 2 टाइम माइनस कराओ कितना आएगा, इसमें से इसका 2 टाइम माइनस कराओ कितना आएगा, 1, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें R2 को डिवाइड कराना होता है किससे, A22 से। लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है पहले से, तो ये ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सिर्फ लास्ट ऑपरेशन बचा, जो कि क्या होता है, R1 में से माइनस करना होता है हमें किसको, R2 को, कितने टाइम्स, A12 टाइम, ठीक। तो ये ऑपरेशन लगाओ, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R1 में से माइनस करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ R2। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5 टाइम्स करते, 7 लिखा होता तो 7 टाइम करते, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर 1 में से इसका 3 टाइम माइनस करेंगे 1 ही आएगा, 3 में से इसका 3 टाइम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जे 0 और 1 ऐसे ही ठीक है, ए ऐसे ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन, 1 में से माइनस करोगे इसका 3 टाइम्स, यहाँ कितना आएगा, 7। ए 0 में से माइनस करोगे इसका 3 टाइम्स, माइनस 3, ठीक है, और बाकी का सब ऐसे ही ठीक है। अब क्योंकि बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ए डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। फाइनली हमारे पास 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1, ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कैसे किया, तो एक प्रॉब्लम आपकी ये दूर हो गई। अच्छा, इसमें भी देखो आप कि ऑलरेडी 1 गिवन था, फिर ऑलरेडी 1 बन गया, तो आपने देखा सिर्फ कितने ऑपरेशन में हो गया ये क्वेश्चन, 2। तो आप ये 4 ऑपरेशन फिक्स कर लो मेरी तरफ से, आप हमेशा इन्हीं को लगाओ, चाहे आपको दिख रहा हो आँखों के सामने कि इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाए, कुछ भी बन रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमेशा फिक्स कर लो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर कुछ टफ नंबर, कुछ ऐसे नंबर आएंगे तब भी आपका ये ऑपरेशन काम करेगा, अजीब से अगर मान लो कुछ ऐसे नंबर आ गए तब भी आपके ये ऑपरेशन काम करेंगे, अब आप बड़े आसानी से कर पाओगे, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा ये। तो ऑपरेशन हमें लगाने हैं और हम रो ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं। खास बात यह है कि जब आप रो ऑपरेशन लगाते हो तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओगे, अगर आप कॉलम लगा रहे हो तो सिर्फ कॉलम लगाओगे थ्रू आउट, आप ऐसा नहीं करोगे एक रो लगा दिया एक कॉलम लगा दिया, नो दैट इज नॉट अलाउड। या तो आप सारे रो लगाओगे या सारे कॉलम के लगाओगे, हाँ आप कैसा भी लगा सकते हो, जब तक वहाँ मेंशन ना हो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं तो इसका मतलब सिर्फ क्या लगाने हैं, रो, तब कॉलम नहीं लगाना। या अगर वहाँ पर सिर्फ बोल दे कि इनवर्स लगाओ, इनवर्स निकालो ऑपरेशन लगा के, तो आप चाहो तो कॉलम वाले लगाओ या रो वाले लगाओ, ठीक है। R1 में ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 को डिवाइड कराएंगे जितना यहाँ लिखा हुआ है उतने टाइम, ठीक है, उतने से डिवाइड कराएंगे, तो क्या बनेगा बोलो, 1 3/2, 5 और 7, ये ऐसे ही ठीक है। यही सेम ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे, ठीक है, क्या आएगा, 1/2, 0 0 एंड 1, ठीक है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, R2 में, R2 में से हम माइनस करेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, किसका, R2 में से 5 टाइम्स ऑफ R1, ठीक। तो ठीक है, माइनस कराइए, यहाँ पर R1 वाले टर्म तो ऐसे ही रहेंगे एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पर इसमें से इसका 5 टाइम माइनस कराओगे तो 0। अच्छा, 7 में से
माइनस कराओगे 5 times किसका, 3/2 का, है ना। तो 2 7 14 -15 माइनस का 1/2, ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद इक्वल्स टू में ए ऐसे ही ठीक है, 1/2 और 0 ऐसे ही ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन R2 में लग रहा है। इसमें से इसका 5 times माइनस कराओ, -5/2, इसमें से इसका 5 times 1, ठीक है। अब आपको ऑपरेशन सोचना तो नहीं पड़ रहा, आसान है, पहले यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करा लो, फिक्स हो गया। फिर यहाँ पर अब फिर क्या करना है, R2 में से माइनस करना है इतने टाइम्स ऑफ R1। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतने से ही क्या करना है, डिवाइड किसको, R2 को। तो R2 को डिवाइड करा दो, देखो क्या बनेगा, R2 को डिवाइड करा रहे हैं किससे, -1/2 से, ठीक है, कराओ 1 3/2 ऐसे ही ठीक है। 0 को डिवाइड कराओगे -1/2 से, तो 0 और यहाँ पर 1, ए ऐसे ही ठीक है, ठीक है, और इधर 1/2 और 0 ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर -1/2 से डिवाइड कराओगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, प्लस का 5, और 1 को -1/2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक, ये आ गया। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, जब आप यहाँ पर 1 बना चुके होते हैं तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, कहाँ ऑपरेशन लगाना होता है, R1 में से। तो R1 में ऑपरेशन लगाना है, क्या R1 में से माइनस करेंगे कितने टाइम्स, 3/2 times किसका, R2 का, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो 4 times, 3 लिखा होता तो सिर्फ 3 times, ओके। तो 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो, 0, यहाँ पर 0 और 1 ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पर भी कराओ, 1/2 में से माइनस करना है इसका 3/2 times, तो यहाँ लिख कर देख लो, 1/2 में से माइनस करना है 3/2 times ऑफ R2, ठीक है, देखो ध्यान से, 1/2 में से माइनस करना है 3/2 times ऑफ R2, ना, 0 में से हम माइनस कर रहे हैं 3/2 times ऑफ क्या, R2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या, प्लस, प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन साइड में करके देखते रहो, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये इधर आकर क्या बन जाएगा, ए इनवर्स और -7 3 5 and -2, ये आपका आंसर बन जाएगा।